ईशा अंबानी की शादी से लेकर पीएम मोदी की घोषणा तक, पढ़ें अब तक की बड़ी खबरें। ईशा की शादी, अंबानी परिवार ने किया बारात का स्वागत, पहुंचे दिग्गज। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी 12 दिसंबर को मुंबई से ही हो रही है। ईशा की शादी मुंबई में उनके बहुमंजिला घर एंटीलिया को दुल्हन की तरह सजाया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का फैसला राहुल गांधी करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायकों ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी जिसे भी विधायक दल का नेता चुनेंगे वे उन्हें स्वीकार होगा। कांग्रेस के पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि कांग्रेस विधायकों ने प्रस्ताव पास किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जिसे भी विधायक दल का नेता चुनेंगे उन्हें स्वीकार होगा, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए यहां सभी नव निर्वाचित विधायकों से रायशुमारी ली जा रही है। इसके बाद नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जाएगा। तेलंगाना बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे के चंद्रशेखर राव। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सरकार बनाने को तैयार है। पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, 2025 तक GDP का 2.5% होगा स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत साल 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद GDP का 2.5% करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में तेजी से पैर पसार रहा जीका वायरस, 3 राज्यों में 280 से अधिक मामले दर्ज। सरकार ने बुधवार को बताया कि देश में सितंबर से नवंबर 2018 के बीच 3 राज्यों से जीका वायरस के संक्रमण के 280 से अधिक मामले प्रकाश में आए, इनमें 2 लोगों की मौत की जानकारी भी मिली है। मध्य प्रदेश विधायकों की बैठक खत्म, सीएम के लिए कमलनाथ के नाम का प्रस्ताव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार दोपहर राजभवन में प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से भेंट कर उनके समक्ष राज्य में पार्टी की सरकार बनाने का दावा पेश किया। पीएम बने जुमलेबाज तो सीएम हिंदुत्व के नए ब्रांड, लखनऊ में लगे मोदी वीज योगी वाले पोस्टर। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से लगे झटके से अभी भारतीय जनता पार्टी उभरी भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश से आ रही एक खबर ने पार्टी के आला नेताओं की नींद उड़ा दी है। हॉकी विश्व कप 2018 क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड से होगी भारत की भिड़ंत। विश्व कप में 43 साल बाद पदक जीतने का सपना लेकर उतरी भारतीय हॉकी टीम के सामने गुरुवार को क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड के रूप में कड़ी चुनौती होगी, जो पिछले 2 मैचों में 10 गोल करके अपने आक्रामक तेवर जाहिर कर चुका है। एक टीम नहीं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं आर्यन खान, ले रहे हैं ट्रेनिंग। शाहरुख खान इन दिनों अपनी आगमी फिल्म जीरो की प्रमोशन के लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बड़े बेटे आर्यन खान के करियर को लेकर भी चर्चा की।